फोकस न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। गुर्जर सम्राट मिहिर भोज का प्रतिमा प्रकरण संसद में उठा। दादरी में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के अनावरण के दौरान से गुर्जर शब्द हटाने को लेकर हुए प्रकरण को बहुजन समाज पार्टी के सांसद मलूक नागर ने संसद में प्रमुखता से उठाया। सत्र के पहले दिन उन्होंने भ्रम पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के साथ इतिहास और पाठ्यक्रम से गुर्जर शब्द नहीं हटाने की मांग की। बिजनौर से सांसद मलूक नागर ने संसद में कहा कि दादरी में गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के अनावरण के दौरान से ही कुछ लोग भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव में इस प्रकरण के माध्यम से राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर के पास पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और ग्रेटर नोएडा में पुरातत्व विभाग की गैलरी में गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का कई स्थानों पर अनावरण किया गया है। अनावरण करने वालों में प्रधानमंत्री समेत कई मुख्यमंत्री भी शामिल रहे हैं। फिर दादरी में क्यों भ्रम फैलाया जा रहा है? कर्नाटक के बाद दिल्ली पहुंचा ओमिक्रॉन वेरिएंट। अस्पताल में भर्ती किए गए 12 संदिग्ध मरीज। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 8 संदिग्धों को कल LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं 4 अन्य संदिग्धों को आज भर्ती कराया गया है, जिनमें से 2 की COVID-19 टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि अन्य 2 के रिपोर्ट के आने का इंतजार है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है और अब तक भारत समेत 25 से ज्यादा देशों में इसकी पुष्टि हो चुकी है। इस बीच दिल्ली के लोकनायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल LNJP में अब तक COVID-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित होने के संदेह में 12 मरीजों को भर्ती कराया गया है। आंध्र ओडिशा के तटों से कल टकरा सकता है जवाद। मौसम विभाग ने जारी किए जरूरी निर्देश। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का एक क्षेत्र बन रहा है, जो चक्रवात जवाद में बदलकर 4 दिसंबर की सुबह तक आंध्र प्रदेश ओडिशा के तट से टकरा सकता है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवात जवाद को लेकर पूरी सतर्कता बढ़ती जा रही है। इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों के साथ बैठक की और इलाकों से लोगों को सुरक्षित निकालने के निर्देश दिए। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का एक क्षेत्र बन रहा है, जो चक्रवात जवाद में बदलकर 4 दिसंबर की सुबह तक आंध्र प्रदेश ओडिशा के तट से टकरा सकता है। इस दौरान हवा की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रह सकती है। क्रिप्टो करेंसी को लेकर आशावान है भारतीय युवा। सरकार के फैसले पर पैनी नज़र। क्रिप्टो करेंसी ने युवाओं को काफ़ी तेजी से अपनी ओर आकर्षित किया है, जिससे युवाओं का एक बड़ा तबका निवेश के लिए क्रिप्टो करेंसी को अपना रहा है। ऐसे युवाओं को फाइनेंशियल मार्केट में लाने के लिए एंट्री पॉइंट्स के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। दरअसल पिछले कुछ महीनों से भारत में भी क्रिप्टो करेंसी को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। ब्रोकर डिस्कवरी और कंपेरिजन प्लेटफॉर्म के अनुसार भारत में 100 मिलियन से भी ज़्यादा भारतीय क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं। दिल्ली में आज से हड़ताल पर रहेंगे डॉक्टर, नहीं चलेगी OPD, मरीजों को होगी भारी परेशानी। कोरोना महामारी और नए वेरिएंट की दहशत के बीच डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने भी कोई कदम नहीं उठाया है। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इस मामले में अस्पताल प्रबंधन और रेजिडेंट डॉक्टरों के बीच चर्चा होना जरूरी है। नीट PG काउंसलिंग में देरी के चलते दिल्ली के अस्पतालों में शुक्रवार से डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे। गुरुवार को सफदरजंग सहित अलग अलग अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टरों ने समर्थन देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं में शामिल नहीं होने की घोषणा की है। इनका कहना है कि शुक्रवार से अस्पतालों में OPD भी नहीं चलने देंगे। जानकारी के अनुसार दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के अलावा DDU, लेडी होर्डिंग मेडिकल कॉलेज, RML अस्पताल, लोकनायक, GTP सहित कई अस्पतालों में हड़ताल होने की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कुछ अस्पतालों में RDA ने देर रात तक फैसला नहीं लिया है। लेकिन फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन का कहना है कि सभी सरकारी अस्पतालों में कार्यरत रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल के समर्थन में हैं।